टुडे वी डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ। आपको जैसा पता है कि डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो होती है वो डाइकॉट लीव्स होती है। डाइकॉट प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके के अंदर दो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं। तो हमने लीफ ली और लीफ का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जो कि लेफ्ट टू राइट काटा जाता है। जब आप माइक्रोस्कोप में स्प्रेडिंग को ऑब्जर्व करेंगे देन आप देखेंगे कि लीफ के अंदर दो टाइप की एपिडर्मिस होती है। अपर एपिडर्मिस को कहते हैं एडेक्सियल एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को कहते हैं अबेक्सियल एपिडर्मिस। डायकॉट लीफ का जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है दैट इज द फ्यू स्ट्रोमेटा प्रेजेंट ऑन द एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड मोर स्ट्रोमेटा प्रेजेंट एट द अबेक्सियल एपिडर्मिस। मीन जब भी आप स्ट्रोमेटा के नंबर को काउंट करेंगे तो आपको लोअर एपिडर्मिस के ऊपर ज्यादा स्ट्रोमेटा दिखाई देंगे इन कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि एपिडर्मिस के बीच का जो मिडल पोर्शन है जिसको मिडल टिश्यू कहा गया है ये कहलाता है मेसोफिल टिश्यू। जो मेसोफिल टिश्यू होता है वो डिवाइडेड होता है टू पार्ट्स में। जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाएगा पैलिसेड पैरेन्काइमा और सेकंड जो पार्ट है वो कहलाएगा स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये जो डिफरेंशिएशन है ये डिफरेंशिएशन किया गया है शेप एंड साइज के बेस पे। आपको दिख रहा है कि डायग्राम में अपर सेल्स को हमने रेक्टेंगुलर शेप की बनाया है। हर रेक्टेंगुलर शेप की सेल्स के बीच में क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल है। ऐसा पैरेन्काइमा कहलाता है पैलिसेड पैरेन्काइमा। इसका जो मेजर फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस करना। आफ्टर दैट आपको नीचे की जो लोअर सेल्स दिख रही हैं दे आर द राउंड इन शेप एंड हैव आल्सो क्लोरोप्लास्ट इन देम। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इन द इन बिटवीन स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देयर इज द इंटरसेलुलर स्पेसेस व्हिच एक्ट एज एयर कैविटीज इन व्हिच एयर्स आर फिल्ड। अनदर पोर्शन इज द वैस्कुलर बंडल। आप देख रहे हैं कि वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। दी सेल्स आर कॉल्ड बंडल शीट सेल्स और इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं डायकॉट लीव्स के दे आर द कॉन्जॉइंट बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम टेरिटरी एंड आफ्टर दैट दे आर द ओपन। मीन जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम अवेलेबल रहेगी जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। आपको वहाँ पे सब स्ट्रोमेटल कैविटी दिख रही है जो कि स्ट्रोमेटा के जस्ट नीचे का लूज स्पेस है। इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट है जो कि एनाटॉमी ऑफ डॉर्सिवेंट्रल लीफ को एक्सप्लेन कर रहा है। आई होप आपको डॉर्सिवेंट्रल लीफ का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।